काम चाहे पढ़ाई लिखाई का हो या फिर ऑफिस का, हम कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाएं, लेकिन कागज़ का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इन कागज़ में बड़ी बड़ी महान गाथाएं लिखी गई थीं और इस कागज़ से बनी किताबों को पढ़कर ही आप जैसे लोग IAS और IPS अफसर बनते हैं। पहले के ज़माने में जब कागज़ नहीं हुआ करता था तब लोग पत्थरों का इस्तेमाल करके पढ़ते थे, लेकिन आज के समय में हमारी सुविधा के लिए कागज़ बनाए जाते हैं जिसमें हम और आप अपनी पढ़ाई के साथ बाकी काम करते हैं। लेकिन इन कागज़ को आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं ये आप नहीं जानते होंगे, तो हमारे रहते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको लकड़ी से कागज़ किस तरह बनाते हैं इसकी पूरी की इंटरेस्टिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली है। कागज़ बनाने के लिए सेलुलोज का यूज़ करते हैं। अब शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भैया ये सेलुलोज क्या है, तो हम आपको बता दें कि सेलुलोज एक तरह का लिक्विड है जो कि पेड़ों में पाया जाता है। इन कागज़ की क्वालिटी सेलुलोज की क्वालिटी पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि जितना प्योर सेलुलोज होता है उतनी ही बेहतरीन क्वालिटी का कागज़ बनता है। कॉटन यानी कि रुई में भी प्योर क्वालिटी का सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन इससे कागज़ बनाना बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए अधिक करते हैं। आप जिस कागज़ का यूज़ करते हैं इसे लकड़ी से बनाते हैं, और लकड़ी में भी कोई आम पेड़ का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसके लिए पाइन, बांस और हेमलॉक जैसी अधिक फाइबर वाले पेड़ों को उपयोग में लाया जाता है। जंगलों से इन पेड़ों को काटने के लिए इन एडवांस मशीनों का यूज़ करते हैं जो कि बस सेकेंडों में ही पेड़ काट देती हैं। आप इस मशीन के इंजीनियर्स वर्क को देख सकते हैं कि कैसे यह मशीन इतना तेज़ी से पेड़ काट रही है। काटने के बाद इसे चीपर मशीन में डाला जाता है। यह मशीन इतनी पावरफुल होती है जो कि एक सीधे पेड़ की लकड़ी को काटकर उसके छोटे छोटे चिप्स बना देती है। इन लकड़ी के चिप्स को गाड़ी में भर के फैक्ट्री में पहुंचा देते हैं। यहां पर यह मशीन इन चिप्स को मिल के अंदर डाल देती है। अब यह लकड़ी कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे बढ़ता है और इसका पल्प बनाने के लिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेज देते हैं। यहाँ पर इस लकड़ी को एसिड सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं जिससे कि प्लांट फाइबर अलग हो जाता है। प्लांट फाइबर तैयार हो जाने के बाद इसे पानी से धुलते हैं जिससे कि एसिड सॉल्यूशन धुल जाए। अभी आप देख सकते हैं कि एकदम सॉफ्ट और फाइबरस पल्प तैयार हो चुका है। इस पल्प की और क्वालिटी बढ़ाने के लिए ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग करने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह कागज़ की ट्रांसपेरेंसी को कम कर देता है जिससे कागज़ आर पार नहीं दिखता है। ब्लीचिंग करने के बाद पेपर बनाने के लिए एकदम वाइट रॉ मटेरियल तैयार हो चुका है। इसके सूखने के बाद पैक करके इसे पेपर मिल में भेज देते हैं। यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले पल्प में टाइटेनियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। इसके डालने से पेपर और अधिक सॉफ्ट हो जाता है और इसमें शाइनिंग आ जाती है। इसके साथ ही इसमें साजिंग इस्तेमाल करते हैं जो कि पेपर में स्याही सोखने से रोकता है। अब इस पूरे रॉ मटेरियल को बड़े से ऑटोमेटिक मशीन में डालकर कई फेज से गुजारते हैं। इससे पेपर की लंबी लेयर बन जाती है। इस फैक्ट्री में लगभग एक घंटे में 80 किलोमीटर की पेपर शीट तैयार हो जाती है। शायद आपके लिए थोड़ी हैरान कर देने वाली बात होगी। इसके बाद इस पेपर शीट की एक और बार क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि पेपर सही है या नहीं, और प्रॉपर टेस्टिंग हो जाने के बाद इनको छोटे छोटे पीस में काट कर मैगजीन, न्यूज़पेपर और नोटबुक बनाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में भेज देते हैं। यह मशीन इन पेपर को छोटे छोटे पीस में काट कर आपके पढ़ने के लिए बुक्स प्रिंट करती है। साथ ही बुक का कवर बनाने के लिए एक मोटे पेपर में प्रिंट करते हैं और इसे बुक में सेट करने के बाद बुक्स तैयार हो जाती है। अब शायद आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एक पेड़ से कितने पेपर तैयार हो जाएंगे, तो हम आपको बता दें कि एक टन पेपर बनाने के लिए लगभग 12 से 17 पेड़ लगते हैं जिससे कि हाई क्वालिटी के पेपर तैयार हो जाते हैं। तो मेरे भाई, आई होप आप जिस कागज़ का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई या फिर ऑफिस वर्क के लिए करते हैं इन्हें बनाते कैसे हैं ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहें।
स्क्रीन में आपको दो और वीडियो दिख रही हैं, जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव है। इन्हें आप जरूर देखिए।